नमस्ते, मैं नरेंद्र दुबे सागर मध्य प्रदेश से। पटवारी पेपर सीरीज में 11 दिसंबर शिफ्ट 2 का पेपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिए हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था फर्स्ट में, इसलिए लेंदी हो गया है, और ये इसका थर्ड पार्ट है जो कंप्यूटर पोर्शन है। बाकी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए कि सीपीसीटी पेपर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। आप पटवारी पेपर सीरीज भी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। अब आईटीआई टीओ जो ट्रेनिंग ऑफिसर है वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ साथ आपके लिए मध्य प्रदेश कांस्टेबल की जो पेपर सीरीज है वो भी बहुत जल्द आने वाली है। संभवतः 1 तारीख से आप सभी लोगों को वो मिलने लगेगी। तो बार बार अपडेट रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, और जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हैं मध्य प्रदेश के पेपर हैं वो आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जरूर मुझे सपोर्ट करें। मैं नरेंद्र दुबे सागर से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरा सपोर्ट करें। तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो ये है गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर है। तो गूगल द्वारा जारी कौन सा है? गूगल क्रोम। ये गूगल क्रोम के नाम से जाना जाता है। फायरफॉक्स ये भी है, नेटस्केप ये भी, सफारी है जो एप्पल के द्वारा बनाया गया था। अगला है हमारा मैकिंटॉश है वो। एफटीपी का तात्पर्य क्या है? तो एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होती है एचटीटीपी जिसको हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। एक होता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो, और टीसीपी होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये सारे आपके इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल्स हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है ब्राउजर में वह बॉक्स जहां हम यूआरएल टाइप करते हैं या कर सकते हैं खाली स्थान कहलाता है, तो वो कहलाता है एड्रेस बार, एड्रेस बार कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका एमएस वर्ड में कंट्रोल यू निम्न कार्य करता है। तो कंट्रोल यू, कंट्रोल प्लस यू इन एमएस वर्ड विल क्या करता है? कंट्रोल यू हाईलाइट किए गए शब्द या वाक्य को रेखांकित करता है। क्या करता है? अंडरलाइन करता है। क्या करता है? आप इसको अंडरलाइन कर देता है, जैसे कुछ भी लिखा है, जैसे मैंने ये अंडरलाइन कर दिया, तो कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के आरंभ में एक सूची जिसमें अध्यायों के नाम या शीर्षक पृष्ठ संख्याओं के साथ होती है खाली स्थान कहलाती है, तो क्या कहलाता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको काफी जानकारी मिल जाती है, जैसे अध्यायों का नाम, शीर्षक, पृष्ठ संख्या, ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स का काम है यहाँ की, ये सारी जानकारी देता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, कीबोर्ड ये भी हार्डवेयर है, जो कि तीनों बहुत ही ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। एंटीवायरस ये सॉफ्टवेयर से संबंधित पार्ट है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में प्रिंटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस पेज ओरिएंटेशन का उपयोग किया जाता है? तो पोर्ट्रेट का उपयोग किया जाता है, रेगुलर स्टैंडर्ड एंड फॉलन ये तो होते ही हैं, लेकिन पोर्ट्रेट का उपयोग किया जाता है। पोर्ट्रेट कैसा होता है? ऐसा। और लैंडस्केप इसी को लेटा दो, तो ये लैंडस्केप हो गया, ये लैंडस्केप हो गया। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2007 में कुंजी कंट्रोल प्लस इक्वल का क्या प्रभाव है? तो ये सब स्क्रिप्ट के लिए आप उपयोग करते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल। अगला प्रश्न है आपका खाली स्थान एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, जो फ्लॉपी डिस्क है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, सीपीयू एएलयू एंड माउस ये सारे अलग अलग टर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, माउस आप जानते ही हो, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इनका फुल फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड है हमारा प्रोटोकॉल के लिए। अगर ये नहीं होगा और एचटीटीपी नहीं होगा तो आप सर्च नहीं कर पाओगे, या फिर आप उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है एक उपयोगकर्ता जब कंप्यूटर ऑन करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ होने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। ये क्या कहती है? बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है। जब आप सिस्टम को ऑन करते हो, जब आप रीस्टार्ट करते हो तो वो कोल्ड बूटिंग है, जब आप डायरेक्ट चालू करते हो तो वो वार्म बूटिंग कहलाती है। निम्नलिखित में से किस फाइल में रेडीमेड स्टाइल होती है जिनका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए किया जा सकता है?
ये क्या कहलाती हैं, इसमें टेम्पलेट्स में आपको रेडीमेड वर्ड स्टाइल्स मिल जाएंगे जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। टेम्पलेट्स ये बने बनाए होते हैं, आपको वेबसाइट में भी बहुत सारे टेम्पलेट्स उपलब्ध हो जाते हैं। आप जब कोई ऐसी वेबसाइट या यूजर इंटरफेस यूज करते हैं जहां पर बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने होते हैं, तो आप उनको डायरेक्ट कॉपी उठाओ और उनका यूज कर सकते हो। तो ये टेम्पलेट्स की सुविधा दी जाती है जिसमें बहुत सारे आपको रेडीमेड स्टाइल्स प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सीडी रोम का तात्पर्य क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस कौन सी है? अबेकस। अबेकस जो है वो सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस है, इस तरह की होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे वो बने रहते हैं और इसमें आपको ये वो मिलेंगे राउंड शेप में बहुत सारे, 1 2 3, जैसे आपको बचपन में स्लेट्स दी जाती थी उसमें गुरिये लगे रहते, इस किसी में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरह से। तो ये अबेकस, इसी से फिर आइडिया आया और धीरे धीरे फिर डेवलप हुआ और कंप्यूटर का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड 2007 में अमान्य है? तो मल्टीपल लाइन, सिंगल लाइन या डबल लाइन। तो ये होती है ट्रिपल लाइन जो है ये अमान्य, ये नहीं होती है, ठीक है? मल्टीपल होता है, सिंगल होता है, डबल होता है। अगला प्रश्न है, ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित संदेशों को खाली स्थान कहा जाता है? तो जो हमारे मेल पे बहुत सारे मेल आते हैं उसको स्पैम बोला जाता है, जो ज्यादातर रिलेटेड होते हैं किसी न किसी प्रकार की एडवर्टीजमेंट से या किसी ऐसी सूचना से जो हमारे ज्यादा काम की नहीं रहती है, बट दे आर कलेक्ट आर ईमेल फ्रॉम समवेयर एंड दे अगेन एंड अगेन सेंड मी या सेंड अस अ मेल। अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 तथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 फाइल्स के डिफॉल्ट एक्सटेंशंस क्रमशः खालिस्तान तथा हैं, तो क्या थे? DOCX एंड XLSX। तो एक है ये किसका, वर्ड का, और ये है आपका एक्सेल का, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हो गया। अगला प्रश्न है आपका, एमएस एक्सेल में वह सिंगल स्प्रेड सीट जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों द्वारा आयोजित सेल होती है खालिस्तान कहलाती है, तो उसको वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में पिछले वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये है कंट्रोल प्लस पेज अप का उपयोग आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह किया जाता है, पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रिंट कमांड का चुनाव करना चाहिए? तो प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करके आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में देख सकते हैं स्क्रॉल करके, जितना आपको दिखेगा उतना, उसके बाद आप स्क्रॉल करके उसको पूरा देख सकते हैं। जैसे मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल के भी होते हैं ये अप डाउन और यहाँ पर राइट और लेफ्ट वाला भी होता है, ठीक है? इस तरह से। तो ये हमारा आज का पोर्शन कंप्लीट हुआ जो 11 दिसंबर 2017 का। अब कल हम जो डिस्कस करेंगे वो 12 दिसंबर का पेपर होगा पटवारी का, संभवतः हो सकता है टीओ का पेपर भी डिस्कस किया जाए, और 1 तारीख से आपको मध्य प्रदेश कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हैं पेपर हैं वो सारे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जरूर देखें और कोशिश की जाएगी कि मैथ्स वाला पोर्शन भी आपको सॉल्व करवाया जाए एक अलग से सेशन। धन्यवाद।